सत श्री अकाल जी, स्वागत है सोशल मीडिया के उपर जुड़े सारे स्रोतियां का। 20 पासपोर्ट रिसीव हुए थे जिसे 8 पासपोर्ट स्टूडेंट वीज़ा, 6 पासपोर्ट ओपन वर्क परमिट, 6 पासपोर्ट ही विजिटर वीज़ा संबंधित ने। सो डिस्कस करते हैं सब तो पहला स्टूडेंट वीज़ा, जिसे पहला पासपोर्ट है जी प्रभजोत सिंह का, जिन्हों का सू कॉलेज पढ़ चलिया टोरंटो कैंपस कंप्यूटर प्रोग्रामर का इन्होंने कोर्स चूज़ किया। एंड ये जे 5 पासपोर्ट ने जनवरी इनटेक के, 3 पासपोर्ट सितंबर इनटेक के जिहड़े बच्चे पढ़ने लई जा रहे हैं। सो ये प्रभजोत सिंह का पासपोर्ट से जिहड़ा स्टैंप होके आया। नैक्सट है मनदीप कौर, जिन्हों का केस अप्लाई हुआ सीगा जी अलगोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन के लिए। 2026 के दसंबर महीने तक का बच्चे का वीज़ा लगा, क्योंकि बैचलर डिग्री पढ़ चलिया बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, जिदे इन्हों को ऑप भी नाल लगा हुआ। अगे हैगा जी बिक्रमजीत सिंह, बिक्रमजीत सिंह वैसटर्न कम्यूनिटी कॉलेज पढ़ चलिया, जिथे इन्होंने बैचलर ऑफ होस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स चूज़ किया। एंड इन्ह की जी वीज़ा की स्टैंपिंग होके आई है वो दसंबर 2027 तक की है, ये सितंबर इनटेक के पढ़ चले ने। अगे हैगा जी अनमोल, अनमोल का कॉलेज भी वैसटर्न कम्यूनिटी कॉलेज ही है, जिथे इन्होंने बैचलर ऑफ होस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ना। एंड ये सितंबर के इन्हों की क्लास स्टार्ट हो रही है, 2027 के दसंबर महीने तक इन्हों का जरा वीज़ा स्टैंप होकर पहुंचा वा। नैक्सट है जी लखविंदर, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ चलिया फ्लैमिंग कॉलेज के, जिथे इन्होंने जनवरी से जाके अपनी क्लास स्टार्ट कर। नैक्सट है अमनदीप, जिन्हों का सू कॉलेज टोरंटो पढ़ चले है, जिथे इन्होंने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का कोर्स अपना जाके स्टार्ट करना। एंड जनवरी के क्लास स्टार्ट हो रही ने। नैक्सट है हरप्रीत, जिन्हों का सू कॉलेज ब्रैम्पटन कैंपस है, जिथे इन्होंने हैल्थ केयर लीडरशिप का कोर्स चूज किया। एंड इन्ह की क्लास भी जनवरी से जाके स्टार्ट हो रही है। लास्ट है जी जसकिरण, जिन्हों ने यॉर्कविल यूनिवर्सिटी टोरंटो कैंपस BBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ चले है। एंड इन्ह द्लास अक्तूबर के जाके स्टार्ट हो रही, अक्तूबर 2023 इन्हें क्लास स्टार्ट होनी है। ये 3 पासपोर्ट वो ने जिन्हों बच्चे ने पहला रिफ्यूजल का सामना कर किया, अज उन्होंने जेडे सक्सैसफुली जो कहना जाने का सुपना से उस कार होकर पहुंचे वा। अगे आप डिस्कस करेंगे ओपन वर्क परमिट, जिदे पहला पासपोर्ट है जी परमिंदर सिंह का, 5 जून फाइल अप्लाई की गई सी। ज़्यादातर केस जो जून च ही अपलाई हुए थे, तो अज अगस्त के स्टार्टिंग दे अपने को पासपोर्ट रिसीव हुए हैं। 18 जुलाई में इन्होंने PPR आई सी। नैक्सट है जी प्रभजोत, जिन्होंने 18 जून अपना केस अपलाई करवाया सी, 22 जुलाई में इन्होंने PPR सू रिसीव हो गई सी, अज इन्हों का पासपोर्ट भी स्टैंप होकर पहुँच चुके वा। रजिंदर सिंह ने जी, जिन्हों का केस 13 जून में अपलाई किया, 20 जुलाई में इन्होंने PPR सू रिसीव हो गई सी। नैक्सट है हरपाल, जिन्हों का 20 मई में केस अप्लाई किया गया, 18 जुलाई में इन्हों की PPR आई सी साढ़े को, ऑलमोस्ट 2 महीने का इन्हों के केस में समा लगा, नहीं तो ज़्यादातर 1 से 1.5 महीने के ही केस अपरूव होकर आए हैं सारी। नैक्सट है जी सुखजिंदर सिंह, जिन्होंने 20 जून में अपना केस अप्लाई किया, 25 जुलाई में उन्होंने PPR रिसीव हो गई सी, अज इन्हों का पासपोर्ट भी स्टैंप होकर पहुँच चुका वा। लास्ट है जी सवर्ण, जिन्होंने 23 जून में अपना केस अप्लाई करवाया, 25 जुलाई में उन्होंने जी PPR सू रिसीव हुई सी, अज इन्हों का पासपोर्ट भी स्टैंप होकर पहुँच चुके। वो पासपोर्ट ने जिन्होंने अपने स्पाउस में जाके ज्वाइन करना, स्पाउस इन्होंने स्टूडेंट के वीज़ा के उपर भी हो सकते हैं, जां वर्क परमिट के उपर भी हो सकते हैं, जिहड़े इत्थे फुल टाइम काम कर रहे, फुल टाइम स्टडी कर रहे, वो अपने स्पाउस में ओपन वर्क परमिट के उपर बुला सकते हैं। अगे हैगा जी विजिटर वीज़ा, जिन्हों के मल्टीपल एंट्री वीज़ा अपरूव होके आया, 2029 तक का पहला पासपोर्ट है जो अपरूव होकर पहुंचे साढ़े को। नैक्सट है जी कंता देवी, जिन्हों का 2027 तक का पासपोर्ट जो अपरूव होकर पहुंचे वा। अगे हैगा जी बलजीत कौर, जिन्हों का 2032 तक का जो वीज़ा अपरूव होकर पहुंचे वा। नैक्सट है जी नरविंदर, 2032 के मई महीने तक इन्हों का वीज़ा स्टैंप होकर आया, मल्टीपल एंट्री वीज़ा इन्हों को भी। नैक्सट है जी भुपिंदर कौर, जिन्हों 2031 तक का वीज़ा जो अपरूव होकर आया अक्टूबर मंथ तक। एंड लास्ट है परमजीत कौर, जिन्हों 2031 तक का वीज़ा अपरूव होकर आया। सो तुम भी जो कोई कैनेडा का केस अपलाई करना चाहते हो, जिद स्टूडेंट वीज़ा ओपन वर्क परमिट या विजिटर वीज़ा, तो किसी भी साडे नेड़ले ऑफिस विजिट करके अपने केस बारे जानकारी लैके अपना केस प्रोसैस कर सकते हो। जे तुहानू कोई इनसाइड कैनेडा सर्विस चाहिए है, जिस स्टूडेंट परमिट दी एक्सटेंशन चाहिए, तुहानू किसी कॉलेज एडमिशन चाहिए, असीं कॉलेज अपना चेंज करना चाहते हो, DLI अपडेट करना चाहते हो, जां असीं ओपन वर्क परमिट ते गए आपदा वर्क परमिट एक्सटेंड करवाना चाहते हो, जां विजिटर वीज़ा ते गए असीं 6 महीने तो ज़्यादा उत्थे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इदां दीआं काफ़ी तरह दीआं सर्विसिज़ आपां GD इमीग्रेशन लिमिटेड के नाम के उपर दिंदे आ। ब्रैम्पटन च अपना ऑफिस आ। सो तुसीं कोई भी इनसाइड कैनेडा की सर्विस लैनी है तो उत्थे कंटैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।